लिए। वाओ! पता है मैं लड़ने वाले खेल ट्रंक्स के साथ खेलता हूँ और वो मुझसे भी ताकतवर है। क्या वो वाकई ताकतवर है? क्या बात है, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम लोग ट्रेनिंग गेम्स खेलते हो। हाँ, और उसमें बड़ा मजा आता है, जब बुलमा उसे लाती है तो हम बस यही करते हैं। अरे नहीं, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये नन्हे बच्चे मुझसे भी ताकतवर बन जाएंगे। देखो तुम जो भी बेचना चाहती हो हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, देखिए मैं गोहान को ढूंढ रही हूँ। देखो घर पर है? बेच के चक्कर में आई हो तो सुन लो, तुम गलत जगह पहुँची हो। कितनी गलत बात है, एक तो बिन बुलाए चली आई हो और ये तक नहीं पता कि तुम कौन हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए मैडम, मैं यहाँ डेट के चक्कर में नहीं आई। अच्छा हम आ गए। मॉम, आज गोहान पर पत्थर फेंकने का मौका मिला। सचमुच? ओह हाय, वाह, तुमने मेरा पता कैसे ढूंढ लिया विडेल? आसान था, स्टूडेंट डायरेक्टरी में से ढूंढ निकाला। ओ हाँ। अब मेरी बात सुनो, तुमने सोचा कि स्कूल से छुट्टी लेकर तुम अपने किए वादे से भाग सकते हो, पर मैं एक बात साफ साफ कह दूं गोहान, तुम मुझे उड़ना सिखाओगे। ठीक है, अगर मैंने वादा किया है तो उसे निभाऊंगा भी। सुनो, मेरा गोहान तुम्हें नहीं सिखा सकता क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है। मॉम, विडेल ही है जिसकी वजह से मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में शामिल हो रहा हूँ। अगर ये ना होती तो मैं शामिल होने का सोच भी नहीं सकता था। तो फिर ठीक है, सिखाओ उसे। पर तुमसे एक बार साफ साफ कह दूँ खूबसूरत लड़की, मेरे बेटे से दूर ही रहना। अब ये बेकार की बातें बंद कीजिए। ठीक है, अब सुनो और कान खोल कर सुनो। इस टूर्नामेंट की इनामी रकम पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। वो हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है और हम नहीं चाहते तुम्हारे जैसी दिल फेंक लड़की इसका ट्रेनिंग से ध्यान भटकाए। मैं दिल फेंक नहीं हूँ, हम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट की ट्रेनिंग करेंगे। भाग नहीं रहे, हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा, डैड की शादी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुई थी, है ना मॉम? शायद इसीलिए उन्हें डर लग रहा है। वैसे लड़ाई झगड़ा और प्यार व्यार कभी कभी आपस में मिक्स हो जाता है, है ना मॉम? हमारे मामले में हाँ, मैं मुकाबले में थी, मैंने तुम्हारे डैड से उसी दिन शादी की जिस दिन उनके साथ लड़ाई की। आप भी लड़ती थी? वो दिन ही कुछ और थे। सचमुच वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे। गोकू के साथ बड़ी जबरदस्त बराबर की टक्कर हो रही थी और फिर उनके ही हाथ में हाथ डालकर प्यार में उनके साथ चल पड़ी। ये याद करके आज भी मुझे अजीब सी खुशी मिलती है। वो हम दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत थी। कभी कभी जंग और प्यार आपस में मिक्स हो जाते हैं। पर तुम्हारा केस अलग है। गोप और मैं बचपन से एक दूसरे के साथ डेट पर जाया करते थे। देखिए, मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ उड़ना सीखना चाहती हूँ, सिर्फ उड़ना।